सो हाई हेलो नमस्कार मु समीर रंजन साहू अगेन इनवाइटिंग ऑल ऑफ यू इनटू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद समीर. सो अप टू द लास्ट क्लास वी हैव लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द नंबर सिस्टम एंड इन द वेरी लास्ट क्लास आई हैव टेल्ड मोर अबाउट द सेट नंबर सेट एंड सम प्रॉपर्टीज एंड आई हैव रीकैप्ड ऑल दोज थिंग्स दैट आई हैव टॉट इन द लास्ट क्लास. सो तो आज आम कौन करवा ना मुझे जहाँ बताइली आर पछ क्लास बताइली कि आज आम कौन कर इच नंबर सेट विषय ना डिटेल्स कथा इनडेप्थ कथा तो आम सब छोट नंबर सेट पाखु स्टार्ट करवा सब बड़ नंबर सेट सेट पर्यटन जावा आच नंबर सेट्रे जहाँ भी प्रपर्टीज बताइए नंबर सेट्रे से गुड़ा होल्ड हो ना आगे जगार होल्ड हो मैथमेटिकल अपरेसन होल्ड हो सब चेक करवा ठीक अच्छे. तो आज आम क्लास स्टार्ट करिया फ्रॉम द वेरी स्मॉल नंबर सेट दैट इज द नेचुरल नंबर सिस्टम. सो फर्स्ट नंबर सेट इज द नेचुरल नंबर सिस्टम. नेचुरल नंबर सिस्टम सो आदरे को नंबर मैंने जाऊले ना आम कहते कौन काउंटिंग नंबर काउंटिंग नंबर्स. सो आदरे आज आर नाम आमको जना पड़ जाए ये हूँ से नंबर जो गुड़ाक आम कौन करें काउंट कर तो आपको आम डिफाइन आपको लिखापी आम कौन करते कैपिटल लेटर एन लिखुले जोटा इनक्लूड कर कौ नंबर मान को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8 and 9, ... अब टू बहुत बड़ा नंबर जाए जापारे तो आम यही नंबर सेट्रे डिफाइन करते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो एथ्रु क्लीयरली देखा वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो सब छोट नंबर किए वन मुझे एवं पचारे सब बड़ नंबर किए हम बताई पार ठीक अच्छे मुझे बताऊँ सब बड़ नंबर एक्चुअल में डिफाइन कर पारे कौन पाई ना सब बड़ नंबर किए हम बताई पारे आई मीन मनकर आम गोटे ग्लास ऑफ वाटर नवा जब गोटे ना पिंपुड़ के देखा सी कह ये मोपाई गोटे समुद्र कितु से ही जिनस को आम जब गोटे हाथी पाखे देखा सी कह सी कह इट इज ए ड्रॉप ऑफ वाटर फॉर मी ताने जोटा जनपाई सब बड़ नंबर होता है सीटा आउ जन छोट होता है ताने जदि जदि जड़े 1 crore लिखला ताटू बड़ नंबर लिख पारे मुझे ये ब्लाक बोर्ड रोटे एंड रू आउ गोटे एंड जाके नंबर्स लिखीजी सी गोटे नंबर बनवा कितु मुझे आहरी आठ रू गोटे बड़ बोर्ड नेबी से गोटे एंड रू आ गोटे एंड रू जाके नंबर लिखी सी ताटू बड़ हो मैंने सब बड़ नंबर आम यही सेट्रे डिफाइन कर पारे ठीक अच्छे. तो यापर आम यार प्रॉपर्टीज देखा फास्ट प्रॉपर्टी कौन कही ना क्लोजर प्रॉपर्टी CLO SURE क्लोजर प्रॉपर्टी न रिकैप हो जाए ना लास्ट क्लास में तो मुझे बतानी जो मैंने भी मो लास्ट क्लास देखी ना से गोटे थर रिविजिट करूँ मोर लास्ट क्लास को सो व्वेर आई कैन टेल अबाउट मोर दिस क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी कौन लेट सपोज आम एथ्रु लेट सपोज एथ्रु आम जेकोसी ना दुटा नंबर ना तुम्हें जेकोसी दुटा नंबर नहीं रखिपार मुँ कौन कर 3 or 4 को नौ कौ दुटा नंबर नौ 3 or 4 को क्लोजर प्रॉपर्टी कौन कही क्लोजर प्रॉपर्टी मुझे 3 + 4 को आड करी 3 + 4 के 7 पाई 7 ये नंबर सेट्रे देखा कि ना ये नंबर सेट्रे देखा तुम्हें कह ये सर आमको ये 7 ये नंबर सेट्रे देखा ताने ये क्लोजर प्रॉपर्टी एटा कौन पर लिखी थी एटा आडिशन ताने क्लोजर प्रॉपर्टी ये कौन है होल्ड है से भाया सब्सट्राक्शन देखा सब्सट्राक्शन सपोज मुझे कौन करी 4 रु 3 गला के 1 पाइली तमें ये जो 1 ये नंबर सेट देखा ताने ये बताई पार ना सब्सट्राक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर कितु बट ये 3 - 4 कले के -1 पाइ जोटा कि -1 यही सेट्रे देखा तो देखा ताने ये कौन है होल्ड कलानी कितु ये होल्ड कला आम प्रॉपर्टी से कह जो सब जगह होल्ड हे फॉर इच केस कितु ये आम कौन ये आज केस चेंज हो जाए प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाए
ମାନେ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରପର୍ଟି ଯେଉଁ କ୍ଲୋଜର୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଏଠି ବତେଇ ପାରିବାନି, ତା ମାନେ ଏଠି କ୍ଲୋଜର୍ ପ୍ରପର୍ଟି କ'ଣ ହେବନି, ହୋଲ୍ଡ ହେବନି ଇଞ୍ଜିନର୍। ଥାର୍ଡ଼ରେ ହେଉଛି ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍। ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ରେ କ'ଣ, ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍କୁ ନେଇକି ଯିବି, ଥ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ଫୋର୍ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଟୁଏଲ୍ଭ, ଏ ଟୁଏଲ୍ଭଟା ବି କ'ଣ ଆର୍ ଭିତରେ ତ ଯିବ, ତା ମାନେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ହୋଲ୍ଡ ହେବ। ମୁଁ ଯଦି ଡିଭିଜନ୍ କହିବି, ଡିଭିଜନ୍ରେ ମୁଁ ଯଦି ଫୋର୍ ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ କରିବି, ଫୋର୍ ଡିଭାଇଡ଼୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ କଲେ, ଫୋର୍ ଡିଭାଇଡ଼୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ ଏଇ ନମ୍ବର୍ ସେଟ୍ରେ ଦେଖାହେଉଛି, ତା ମାନେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଇଏ କ୍ଲୋଜର୍ ପ୍ରପର୍ଟି ହୋଲ୍ଡ କରିବ। ତା ମାନେ କ୍ଲୋଜର୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଆମର କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହୋଲ୍ଡ କଲା, ପ୍ରଥମତ ଏଇ କେସ୍ରେ ହୋଲ୍ଡ କଲା ଆଣ୍ଡ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ହୋଲ୍ଡ ହେଲା। କ୍ଲୋଜର୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଏଇ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ହୋଲ୍ଡ କଲା ଫର୍ ଦ ଦିସ୍ ନମ୍ବର୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାଣୀ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରପର୍ଟି ଯିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କମ୍ୟୁଟେଟିଭ୍ ପ୍ରପର୍ଟି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସେକେଣ୍ଡ କମ୍ୟୁଟେଟିଭ୍ ପ୍ରପର୍ଟି। କମ୍ୟୁଟେଟିଭ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଆସି ବତେଇଥିଲି କ'ଣ, ତ ପ୍ଲେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ତା ଭ୍ୟାଲୁ ଚେଞ୍ଜ ହେବନି, ତା ମାନେ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ୍ କହିପାରିବା ପ୍ଲେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଭ୍ୟାଲୁ ଚେଞ୍ଜ ହେବନି। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଡ଼ିସନ୍ ପାଇଁ, ପୁଣି ସେଇ ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ହିଁ ନେଇ ଚାଲେ, କ'ଣ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍କୁ ନେଇ ଚାଲେ। ଆଡ଼ିସନ୍ ମାନେ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ କେତେ ପତା ଅଛି, ସେଭେନ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଫୋର୍ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଲେଖିପାରିବାନି। ମୁଁ ଆ ମାନେ ବତେଇଥିଲି କ'ଣ, ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଯାହା ହେବ, ବି ପ୍ଲସ୍ ଏ ଯଦି ସେଇଆ ହେବ, ତାହେଲେ କହିବା ଏଠି କ୍ଲୋଜ୍, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ପ୍ରପର୍ଟି ହୋଲ୍ଡ କରୁଛି ନା କମ୍ୟୁନିଟି ପ୍ରପର୍ଟି ହୋଲ୍ଡ କରୁଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ, ଯାହା ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ଯାହା, ଫୋର୍ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ବି ସେଇଆ, ମାନେ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ଯାହା, ଫୋର୍ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସେଇଆ, ତା ମାନେ ତା'ର ପ୍ଲେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲାବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉନି, ତା ମାନେ ଏଠି ଆମେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି କହିପାରିବା ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା କମ୍ୟୁନିଟି ପ୍ରପର୍ଟି ହୋଲ୍ଡ କରୁଛି ଅଣ୍ଡର ଦିସ୍ ଅପରେସନ୍। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍। ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଦେଖିବା, ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ନେଲେ କେତେ ପାଇବା, କ'ଣ ପାଇବା, ନେଗେଟିଭ୍ ୱାନ୍ ପାଇ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫୋର୍ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ନେବା କ'ଣ ପାଇଯିବ, ୱାନ୍ ପାଇଯିବ। ତା ମାନେ ଏଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଦୁଇପଟେ ସମାନ ପାଇଲେ କି କହିପାରିବ ନା, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ପାଇବାନି, ତା ମାନେ ଏଠି ପ୍ରପର୍ଟି ହୋଲ୍ଡ ହେଲାନି। ତ ଥାର୍ଡ଼କୁ ଯିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍। ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ କ'ଣ, ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ଦୁଇଟା ନମ୍ବର୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଲି, ଥ୍ରୀ କ୍ରସ୍ ଫୋର୍ ଫିଜିକାଲ୍ କେତେ ଟୁଏଲ୍ଭ, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି ଆର ପ୍ଲେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଫୋର୍ କ୍ରସ୍ ଥ୍ରୀ ହେଇଯିବ, ଥ୍ରୀ କ୍ରସ୍ ଥିଲା ଫୋର୍ କ୍ରସ୍ ହେଇଯିବ, ତା ମାନେ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ବି ଥିଲା, ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏ କରିବାର ଅଛି, ଏଇଟା ଟୁଏଲ୍ଭ ସାଙ୍ଗରେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେବ କି ନାହିଁ, ଟୁଏଲ୍ଭ ସାଙ୍ଗରେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେବ। ମୁଁ ଯଦି ପ୍ଲେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଭ୍ୟାଲୁ ସମାନ ହେଉଛି, ତା ମାନେ ଏଠି ଡେଫିନେଟ୍ଲି କହିପାରେ ଏଇଟା ଡେଫିନେଟିଭ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ହୋଲ୍ଡ କରିବ। ତା'ପରେ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଭିଜନ୍, ଫୋର୍ ଡିଭିଜନ୍। ଡିଭିଜନ୍ କ'ଣ, ମୁଁ ଯଦି ଥ୍ରୀ ଡିଭାଇଡ଼ ବାଇ ଫୋର୍ କରିବି, ସେଇଟା ଫୋର୍ ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେବ କି, ଫୋର୍ ଡିଭାଇଡ଼ ବାଇ ଥ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେବ, ଇଏ ଡେଫିନେଟ୍ଲି କହିପାରିବେ ଇଏ ସମାନ ହେବନି, ତା ମାନେ ଏଠି ହୋଲ୍ଡ ହେଲାନି। ତା ମାନେ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଆମେ ବତେଇ ପାରିବା କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହୋଲ୍ଡ କଲା, ପ୍ରଥମତଃ ଏଇ କେସ୍ରେ ହୋଲ୍ଡ କଲା ଆଉ ଏଇ କେସ୍ରେ ହୋଲ୍ଡ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍। ତା ମାନେ କମ୍ୟୁଟେଟିଭ୍ ପ୍ରପର୍ଟି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହୋଲ୍ଡ କରିବ, ଗୋଟେ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ହୋଲ୍ଡ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହୋଲ୍ଡ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାଣୀ ଠିକ୍ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି ଦେଖିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆସୋସିଏଟିଭ୍ ପ୍ରପର୍ଟି। ଆସୋସିଏଟିଭ୍ ପ୍ରପର୍ଟି, ଆସୋସିଏଟିଭ୍ ପ୍ରପର୍ଟି, ତ ଆସୋସିଏଟିଭ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଆସେ ବତେଇଥିଲି, ଏବେ ଆଉ ବତାଉନି। ଆ ପାଇଁ ଆମକୁ ତିନିଟା ନମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକ, ଆ ଦୂରୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ତିନିଟା ନମ୍ବର ଉଠାଇ ପାରିବା। ଲେଟ୍ ସପୋଜ୍ ମୁଁ ତିନିଟା ନମ୍ବର ନେଇଯାଉଛି, ୱାନ୍ ଟୁ ଆଉ ଥ୍ରୀ, ମୁଁ ଏଇ ତିନିଟା ନମ୍ବର ନେଇକି କାମ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଆଡ଼ିସନ୍ ପାଇଁ, ଆଡ଼ିସନ୍ ପାଇଁ ଦେଖିବା, ମୁଁ ବତେଇଥିଲି କ'ଣ, ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ, ସରି ଆମେ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ନେଇ ଦେଖୁଛେ, ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବତେଇଛି ବ୍ରାକେଟ୍ କାମ ଆଗ ହେବ, ତା ମାନେ ଆକୁ ଲେଖିପାରେ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଇଜିକଲ୍ ଟୁ ଫାଇଭ ଇଜିକଲ୍ ଟୁ ସିକ୍ସ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ଡିଫାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏବେ ଏ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କରି ଲେଖିବା, ବିକଜ୍ ୱି ହାଭ୍ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି କରିବା, ଯାହା ଯଦି ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି
प्लस सी जगह सामान होगा तो मैंने कहवा ये प्रपर्टी होल्ड कर प्रपर्टी ये आम बताई ना लास्ट लास्ट में सो आउ थे कहीदे जो मैंने लास्ट लास्ट अटेंड न कर गोटे थे रिविजिट कर सो दैट इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स तो मैंने वन प्लस टू आड कले कहते पाइबे थ्री ये प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्स पाइले एटी मतलब देखिए कह ये भी सिक्स पाइले तो मैंने ये आम डेफिनेटली लिखिपर कि सर वन प्लस टू प्लस थ्री जहाँ इज इक्वल टू वन प्लस टू प्लस थ्री भी सी लिखिपर ना ना तो मैंने ये कहींपर ये आसोसीएट प्रॉपर्टी होल्ड हम तो ये आसोसीएट प्रॉपर्टी होल्ड हम फॉर दिस ऑपरेशन तो आम नेक्स्ट ऑपरेशन को जीवा नेक्स्ट ऑपरेशन इज सब्सट्रैक्शन तो मैंने वन प्लस वन सॉरी वन माइनस टू माइनस थ्री इज इक्वल टू वन माइनस टू माइनस थ्री देखिए ये सामान होरी एति आस सामान ना मुझे बतई ब्राकेट कम आग हम तो मैंने वन माइनस टू माइनस थ्री गले के नेगेटिव वन पाइबा तो मैंने ये वन प्लस वन पाइले के टू पाइज ये देखिए वन माइनस टू गले माइनस वन पाइबा ये माइनस थ्री अच्छे इज इक्वल टू माइनस फोर होगा कि आम कौन देखिले ये टू पाँच ये पाँच माइनस फोर पाँच डेफिनेटली आम कहीपर कि कौन ये प्रपर्टी होल्ड हेनी इक्वल हेनी तो मैंने प्लस टूटा माइनस फोर साइन के इक्वाल हेनी तो मैंने ओवरअल कहींपर ये सब्सट्रैक्शन कौन कर प्रपर्टी को होल्ड करेंगे एपर्त ठीक अच्छे सो एम देखा द थर्ड प्रपर्टी दैट इज द मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन मुझे लिखुची वन इंटु टू इंटु थ्री एपटे के लिखिपर वन इंटु टू इंटु थ्री तो ये मुझे बतैली ब्राकेट कम आग कर वन इंटु सिक्स ये के टू इंटु थ्री ये पाइले के सिक्स ये पाइले सिक्स तो मैंने ये कौन हो गला इक्वाल हो गला तो मैंने ये कह ये प्रपर्टी कौन कर ये प्रपर्टी कौन कर तो ये आम कौन कहीपर ना ये प्रपर्टी ये होल्ड कर ये प्रॉपर्टी ये होल्ड करेंगे ये होल्ड कर ना दैट इज द लास्ट प्रॉपर्टी देखा दैट इज फॉर द डिवीजन आम कौन कर वन डिवाइड टू डिवाइड थ्री एटा वन डिवाइड टू डिवाइड थ्री एटा केबे इक्वल हम कि मैंने यटा को आम जो सिंप्लीफाई कर लिखा तो फास्ट एलएचएस लिखुची एलएचएस कौन अच्छी वन डिविजन टू डिविजन थ्री अच्छी आपको आम लिखिपर वन डिविजन टू बाय थ्री लिखिपर ना आपको लिखिपर थ्री बाय टू लिखिपर मुझे आगे बतेबी एटा केमती है जो आम जो आर सेट विषय सरी जो आम क्यू सेट विषय बतेबा मुझे यहाँ बतेबी खाली एवं जस्ट बतेदी फर्द जो मानक पता अच्छे तो भल होता जो मानक एक्चुअली पता ना तो जितेबाला आम से क्लास को जी से आराम से पता है तो ये आरएचएस देखिए आरएचएस कौन अच्छी वन डिविजन टू डिविजन थ्री ब्राकेट कम आग कर लिखिपर वन बाय टू डिविजन थ्री आपको लिखिपर वन बाय टू इंटु वन बाय थ्री लिखिपर ये मोर वन बाय सिक्स हो गला तो ये क्लीयरली देखा थ्री बाय टू जी वन बाय सिक्स के सामान हम कि हेनी तो मैंने यहीटा डिविजन होल्ड है तो मैंने आम कहीपर को प्रपर्टी को मैंने आम बतईपर को अपरेसन यहाँ होल्ड है फास्ट तो आडिशन कला बेल होल्ड है सेकेंड मल्टीप्ली होल्ड है मल्टीप्लिकेशन होल्ड है सब्सट्रैक्शन होल्ड है आ गोटे फोर कौन डिविजन डिविजन भी होल्ड है डिविजन भी होल्ड है आप भी होल्ड है कि दुटापी कौन होल्ड केमी है बतईदेली तो ये केस रे आम देखा एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी ए नंबर सेट डिफाइन हो पार कि बिकज वी नो दैट एडिटिव इनवर्स इज जीरो ऑलवेज एडिटिव इनवर्स सब एडिटिव सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी इज ऑलवेज जीरो बट ए सेट्रे आम जीरो कोड देखिपर तो मैंने कहींपर कि एडिटिव आइडेंटिटी ए सेट्रे ना त
तापरे additive inverse इनवर्स कौन एटी तो नेगेटिव नंबर ही नहीं तो आम आडिटिव इनवर्स को डिफाइन हो पारे कि क्लीयरली आडिटिव इनवर्स डिफाइन हो पारे ये आडिटिव आइडेंटिटी भी नहीं देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जेहेतु ये सब गुड़ा होल नंबर अच्छा ये तो लाइक 1/2, 2/3 एमती लिखिपर तो आम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डिफाइन हो पारे लास्ट होची मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन आम कहते वन जोटा कि ये नंबर सेट रे देखा वन देखा तमें कह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये नंबर सेट रे अच्छे तो आम सब प्रॉपर्टी विषय में बतईदे फर द सेट एन सेट पाई जोटा कि आम नेचुरल नंबर सेट को एन लिखुले एन सेट पर सब मैथमेटिकल ऑपरेशन प्रॉपर्टीज बताइए जोटा कि मुझे लास्ट टू लास्ट क्लास बताइली सो बस इतनी आज ये सेट पर जहाँ भी ऑपरेशन थी मुझे सब बताइली आम नेक्स्ट क्लास रे होल नंबर पर शिखे सो बस बस इतनी एंड इफ यू थिंक दिस वीडियो इज इनफॉर्मेटिव इनफॉर्मेटिव सो दैट यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड दोज पीपल हु एक्चुअली नीड दिस सो दैट this may have a great help to them. Thank you so much. Thank you.